कि अबू बकर रजी अल्लाह तआला जो काफी पैसे वाले थे, उनकी एक बेटी थी अस्मा रजी अल्लाह अन्हा। अस्मा रजी अल्लाह अन्हा अपने बाप के घर यानी अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला के घर बहुत ही मतलब आन बान शान से उनकी परवरिश हुई थी, शहजादी की तरह रहती थी। शायद वो कभी चूल्हे पर नहीं बैठी हो, कभी उन्होंने खाना नहीं बनाया, क्योंकि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह उनके घर गुलाम होते थे, नौकर चाकर होते थे, वो सब करते थे, तो इनकी बेटी को कुछ नहीं करना पड़ता था। तो अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा की शादी अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला ने किससे कर दी? जुबैर रजी अल्लाह ताला से। जुबैर रजी अल्लाह जो सही बुखारी की हदीस है कि जब उनसे शादी की तो उनके पास कुछ नहीं था, ना रुपया पैसा, गुलाम नौकर चाकर कुछ। उनसे जाके अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला ने अपनी बेटी की शादी कर दी। और अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला ने उम्मत में नबी के बाद सबसे पहले मकाम पर है। इतने बड़े आदमी की बेटी की शादी एक ऐसे शख्स से हो रही जिसके पास कुछ नहीं है, फिर शादी क्यों किया जब कुछ नहीं था? तो भाई उनकी खूबी यह थी कि वो जुबैर रजी अल्लाह उन टॉप 10 सहाबा में थे, उन 10 सहाबा में थे जिनको अल्लाह ताला ने इसी दुनिया में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए जन्नत की सर्टिफिकेट दी, जन्नत की बशारत दी। इससे बड़ी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। एक बेटी के लिए इससे बेहतर रिश्ता क्या हो सकता है कि अल्लाह से सर्टिफिकेट नाजिल हुई अल्लाह की तरफ से कि वो जन्नती है। तो ये सर्टिफिकेट देके शादी कर दिया, पैसा वैसा कुछ नहीं था उनके पास। अब शादी के बाद वहां जब गई हैं तो वहां उन्होंने अपने पड़ोस की लड़कियों को बुला के खाना बनाना सीखा है, अपने शौहर के लिए खाना बना के दे रही हैं, खुद चूल्हे पे बैठ के खाना बना रही हैं। और उनके पास एक घोड़ा था, घोड़ा, घोड़े को भी यही खाना खिला रही हैं। गांव वगैरह में देखिए जो जानवर लोग पालते हैं ना, तो आदमी लोग आमतौर से खाना खिलाते हैं, उनको देते हैं। बैल वैल जो होते ना पूरे पुराने जमाने में गांव पे, तो बैल वैल को कौन जाता था खाना खिलाने? आदमी लोग, औरतें बहुत कम जाती थी। तो ये अस्मा रजी अल्लाह अन्हा को शौहर को तो बना के खिलाना है, घोड़े को भी बना के खिलाना है। और यही नहीं बल्कि बाहर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जमीन दिया था इनको बाद में, तो वहां से कुछ लाद वाद के लाती थी घर पे, बाहर से भी, यानी घर का काम बाहर का सब इतना ज्यादा काम कर रही थी, बहुत ज्यादा। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने उसे कभी नहीं कहा कि अब्बा तुमने मेरी शादी कहां कर दी, ना अपने शौहर को कुछ कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो मेरे साथ। लेकिन एक दिन इत्तेफाक से, वाकया लंबा है, खुलासे की इत्तेफाक से अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला को पता चल गया कि भाई मेरी बेटी तो बहुत परेशानी में है, वहां बहुत ज्यादा उसको काम करना पड़ता है। तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अपनी बेटी के घर आए और एक गुलाम लेकर आए और अपनी बेटी के हवाले किया, कहा कि बेटा आज से तुम्हारा काम ये गुलाम करेगा, तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने उनके शौहर को कुछ नहीं कहा कि मेरे बेटी का क्या हाल बना के रखा, कुछ नहीं कहा। एक गुलाम उनके बंदोबस्त में था, लाके खड़ा कर दिया दरवाजे पे कि आज से तुम्हारा काम ये करेगा। तो इससे क्या पता चलता है कि अगर बाप साहिब हैसियत है, अल्लाह ताला ने उसको नवाजा है, वो देख रहा है कि मेरी बेटी दुखी है, परेशान है, उसको जरूरत है पैसे की या किसी भी तरीके की जरूरत है, तो अगर बाप कर सकता तो उसको करना चाहिए। हमें साहिब-ए-किराम की जिंदगी से ये भी मिलता है।